गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपको एड करना है एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टर, ठीक है। और कैसे कैसे फाइंड करना है आपको पता है कि प्राइम फैक्टर जो होता है वो दो तरीके से फाइंड करना है। एक होता है क्या, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है आपका ट्री मेथड। तो चलिए हम लोग यहां से ट्री मेथड से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आज 45 इसका प्राइम फैक्टर करना है, बट किस रूल से करना है, वो प्राइम फैक्टर मेथड से। तो कैसे करते हैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व, ठीक है। यहां पर देखो पहले तो 45 नंबर लिखो, 45 को दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ठीक है। दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब ये हो गया, जो इसमें से एक नंबर आपका क्या मिले आपको प्राइम हो, और दूसरा एटलीस्ट आपका वो कंपोजिट हो, यानी कुल मिला कि जो नंबर दिया हुआ है ना, दो नंबर के फॉर्म में डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो पहला नंबर हो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, टू थ्री फाइव सेवन, सॉरी 2, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आते हैं, ठीक है। यदि कुल मिला के 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कुल मिला के कटेगा 3 से। तो यहां पर लिखो आप क्या 3, और दूसरे कोने में क्या लिखेंगे अब आप खुद बताओ, इसको जल्द 3 से डिवाइड कर दो, तो ये मिलेगा आपको, ये कितना हो 15 हो गया। आप क्या करो 15 को भी दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर दो, करते हैं। पहला आपको कंप्लीट नंबर मिलना चाहिए और दूसरा जो होगा वो देखा, ये कटेगा फिर से आपका 3 से, और ये कटेगा आपका फिर से वो 5। फिर बाद के नंबर को फिर दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक करोगे, क्या करोगे यहां से, वो इसको दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक करोगे। जब इसको आप दो नंबर के फॉर्म में फिर से ब्रेक करेंगे, फिर से दो नंबर के फॉर्म में इसको ब्रेक करते, तो मतलब क्या ये 5 किसी नंबर से डिविजिबल है, 5 क्या किसी नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कुल मिलाकर के जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, सर 45 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो क्या मिल गया, ये सबसे लास्ट का नंबर होगा, ऐसे कटेगा होगा वही आपका आ गया, यानी कि 3 × 3 × 5, ठीक है। ये अभी एक और रूल बताएंगे, वहां पे हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट ये आपका ट्री मेथड दिया हुआ है। ये कुछ और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखा है इसका जी, जी में लिखा है 294, सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखे 294 इसको डिवाइड कर दिए। देखो 2 से डिविजिबल है, तो 2 यहां पे लिखो, यहां पे क्या आएगा पिछले ब्लॉक में, अभी देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आप रफ में करा देते जैसे 2 × 2, इसी से डिवाइड कर दे 2 × 2, 2 × 4 = 8, और ये 2 × 7 = 8। अब फिर से सोचो सही नहीं किया, ठीक है। अब इसको दो नंबर के फॉर्म में फिर से ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करते हैं फिर, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके प्लेस पे आपको 0, 2, 4, 6 होना चाहिए था। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसको प्लस करने वाला होगा, कटेगा 3 के टेबल से कट जाएगा, सॉरी। तो यहां पर लिखो क्या 3, और सेकेंड में क्या आएगा वो भी हम देखते हैं। 3 के टेबल से कट करेगा 3 × 4 = देखो यहां जल्दी 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 4 = 12, ये 2 हो गया, 3 × 9 = 9, यानी कुल मिलाकर के ये नंबर हो गया क्या है, 3 × 4 = और ये 3 × 9 =, यही तो आएगा ना, देख लो क्या 3 × 4 = ये, और फिर से 3 × 9 = 27। अगेन देखिए डिवाइड करिए, ये 7 से कटेगा, और यहां भी आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इसको दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो क्या, तो ये जो नंबर दिया 7, ये वाला 7,
ये तो भाई ब्रेक होना नहीं है, ये ही आपका बचा, ये क्या ब्रेक होगा, नहीं होगा ना। यानी कह सकते हैं क्या कि सर देयरफॉर 294 का जो फैक्टर होगा इसका यहां से लास्ट में नंबर पे निकल जाएगी, ऐसा इधर वाला नहीं होगा, ये इसका जब इसका लास्ट ये फिर इसका लास्ट फिर इसका लास्ट, अब इसका तो है ही नहीं, मतलब यही तो लास्ट बनेगा, तो क्या नहीं बने 2 × 3 × 7 × 7 हो जाएगा। ऐसे बहुत लास्ट बुक नंबर बड़े दिए हुए उन सबको आपको खुद ही फैक्टर करना, ठीक है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय डिवीजन, यानी कि प्राइम फैक्टर तो करेंगे बट डिवीजन उनसे करेंगे। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट सी देखिए, सी में लिखा है 360, यहां सॉल्व कर दिए, ये लिखिए 360 और इसको यहां से सॉल्व कर दिए। सबसे पहले आपको पता है प्राइम फैक्टर रूल बोला है ना, क्या बोला, प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर पे आपके लिए है वो है 2, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा 150। ये करते वो क्या है, हम इसको जहां 2 लिखे ना तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, फिर ये 2 से डिवाइड होगा आपको यहां से मिलेगा 90, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहां से मिलेगा 45, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये मिलेगा आपको ये 15, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो मिलेगा आपको ये 5, अगेन ये डिवाइड होगा आपको 5, तो लास्ट में मिलेगा वो। ये कैसे होता जा रहा है सर, ये 360 है इसको डिवाइड कर 180 मिलेगा, 180 क्या 2 से डिविजन है, अगर 2 से कटेगा तो यहां लिखेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा तो 3 के बारे में चेक करेंगे, बट फिलहाल 2 से कट जाएगा। 2 को 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 90 को 2 से डिवाइड कर दिया तो पहले मिलेगा वो 45 में क्या 2 से नहीं कटता है, ये 3 से कटता है। और इसके पहले मैंने रूल भी बताया था आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले में, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है उसका डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल आता है तो 3 से कट जाता है, तो देखिए 549 फिर 15 ऐसा होगा, ठीक है। अब लास्ट में लिख देंगे क्या कि देयरफॉर फैक्टर आपका 360 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो ये हो गया इसका ये आंसर, ठीक है। तो एक्चुअली ट्री मेथड से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता बट आपको ये करना और अच्छी तरीके से सीखना, क्योंकि इसके बाद अभी आएगा ना एलसीएम फाइल करना और एससीएफ फाइल करना, तो वहां पर ट्री मेथड का यूज नहीं करेगा, इसी तरह का मेथड का यूज करेंगे। तो आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए और प्राइम फैक्टर आने के पहले आपको जो डिविडेंड टेस्ट लिखवाया गया था 2, 3, 4, 5 एटलीस्ट आपको 11 तक तो आने ही चाहिए, और भी होते हैं ठीक है बट वो डिफिकल्ट होते हैं, एक रूल बन ही नहीं पाए तो आपको गेस करके या फिर देख के सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी नंबर ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देख क्वेश्चन इसका ये एच में लिखा हुआ है 1044, सॉल्व करिए इसको तो क्या लिख देंगे 1044 इक्वल टू यहां से सबसे पहले क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करिए, अदरवाइज 3 के बारे में सोचते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा यहां से 5 और ये 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 4, ये 2 से फिर डिवाइड होगा। देखो कैसे करते हैं, ये 5 है कितनी बार डिवाइड करेगा, देखो सिर्फ इसके साथ 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 यानी देखो 2 × 2 = 4, तो जो आंसर आता है ना 2 × 2 = 4 का यहाँ 2 आएगा 4 आएगा ना, इसे से माइनस कर दो तो 1 बचेगा, इससे 5 चला जाएगा, ये ऐसे हो रहा है। देखो 2 × 2 = 4 और 1 इसके 5 से भेज रहे, इनका मतलब कि ये तो लिखना है भेजे इक्वल बना रहे हैं, यहां भी आपको इक्वल बन रहा है 2 × 6 = 12 और ये 2 बन गया 2 7 2 9 कटेगा आपका ये 3 से डायरेक्ट 3
थ्री एट एट क्या और फिर से क्या हो गया आपका थ्री सेवन जा आगे थ्री से कटेगा थ्री टू जा देखो थ्री टू जा सिक्स और ये थ्री नाइन जा ये डायरेक्टली कटेगा आपके ट्वेंटी नाइन से इससे अगर कट ही नहीं सकता ये निकल मिला ट्वेंटी नाइन थोड़ा डिफिकल्ट होगा देखते हुए आंसर सही जाएगा वैसे फिलहाल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहां से टू इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ये तो नहीं आना चाहिए देखते हैं चलो कैसे क्या कह रहे हैं क्या आया है अब ऐसे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया है आपसे वो जे जे करेंगे और कोई दूसरा चलिए जे लिख कर जे लिखिए जे में लिखा हुआ है 3528 इसका प्राइम फैक्टर करना है तो क्या करोगे टू से करिएगा टू से कटेगा तो क्या मिलेगा टू वन या टू वन इसके पास चला जाएगा ठीक है टू वन या टू टू इसके पास या माइनस करने का तो वन बचा तो टू सेवन या वन इसके पास टू सिक्स या टू फोर जा टू से कटेगा ये मिलेगा टू एट जा सिक्सटीन वन इसके पास जाएगा टू एट जा ये कटेगा टू से फोर फोर और ये वन हो जाएगा ये थ्री से डायरेक्ट कर लेगा ठीक है देखिए थ्री वन जा थ्री वन इसके पास चला गया थ्री फोर जा ट्वेल्व और ये थ्री सेवन क्या हो गया ये थ्री से कटेगा इससे पहले नंबर आया था देखा तू थ्री मेथड वाले में ये कटेगा तो क्या मिलेगा थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री नाइन क्या हो जाएगा फिर सेवन से कटेगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन अगेन सेवन से डिफ्यूल होगा ये वन आ गया यानी कह सकते हैं कि दिया फोर फैक्टर आपका 3528 इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू दिखा के नहीं टू इंटू टू इंटू टू थ्री इंटू क्या सेवन इंटू टू सेवन तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप इन सबको कर सकते हो तो और बिजली तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ भाई कि 8500 इसके लास्ट में डबल जीरो दिया है इसका मतलब पहले टू से डिवाइड होगा जितने भी नंबर है उनके लास्ट में अगर आपका टू दिया हुआ है तो आपका क्या होगा वो सॉरी जिनके लास्ट में जीरो दिया हुआ है वो टू से कम एक बार डिवाइड होंगे ठीक है तो आप उन सबको भी करना और ऐसे आपको लिखना है